तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बहुत सारे लोगों का जेन्युइन कमेंट था और डाउट था। तो डाउट इस बात को लेकर का था कि बहुत सारे लोग जो कि टेक्नीशियन द्वारा 24 का फॉर्म भर रहे हैं, फीटर वाले लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी फीटर के कैंडिडेट, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन है कि किस जोन में वैकेंसी डाले, किस किस पोस्ट का प्रिफ्रेंस हम लोग डाल सकते हैं। क्योंकि देखो, ये जो फीटर टेक्नीशियन की जो वैकेंसी निकली है, तो इसमें आपको बहुत चीज़ें जानना होगा। हड़बड़ी में आप फॉर्म भर नहीं सकते। आप फीटर के लिए कौन कौन सा पोस्ट एलिजिबल हो, इसमें पोस्ट बहुत दिया हुआ है। लगभग इसमें पोस्ट की अगर बात किया जाए तो पोस्ट लगभग नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 18 कैटेगरी के लिए 18 पोस्ट है। तो 18 पोस्ट पे फीटर एलिजिबल नहीं है। तो फीटर जो है टोटल 8 पोस्टों के लिए, पदों के लिए एलिजिबल है। अब उनमें से भी आपको ये देखना है कि कौन कौन जोन में आपका कहाँ कहाँ कितना ज़्यादा है, किस जोन में आप भर सकते हो, जोन वाइज कौन सा जोन फीटर के लिए सेफ जोन रहने वाला है, किसमें वैकेंसी कहाँ पे है, किसकी कटअप। तो ये सब पूरे वीडियो में बताने वाला। वीडियो को भाई पूरे डिटेल ढंग से देखना, यूट्यूब पर आपको पूरा डिटेल इस तरह कोई नहीं बताने वाला भाई। सभी चीज़ें जेन्युइन एकदम तरीके से बताना, किस जोन में जनरल की कितनी वैकेंसी है, फीटर के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, है ना। कहाँ पर ओबीसी की कितनी वैकेंसी है, कहाँ एससी की कितनी वैकेंसी है, कहाँ ईडब्ल्यूएस की है, कौन सा टॉप रेट जोन है वो बताने वाला हूँ फीटर के लिए, कौन सा सेफ जोन होने वाला है वो भी बताने वाला हूँ आपका। पूरा वीडियो तक रहे और वीडियो में नया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करें। तो सबसे पहले फीटर वाले भाई देख लो यहाँ पे क्या होने वाला है। जितने भी फीटर वाले हैं तो इसमें देखो नंबर ऑफ पोस्ट, टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे रेलवे में जारी किया गया है 18 पोस्ट है, जिसमें पहला तो हो गया टेक्नीशियन ग्रेड 1, हम लोग का है नहीं, तो फीटर को टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भरना है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में टोटल 8 पद है जिनके लिए फीटर सिर्फ एलिजिबल है। बाकी सब में अलग अलग, इलेक्ट्रीशियन जिसमें है तो उसमें फीटर नहीं है, किसी में वेल्डर है तो उसमें फीटर नहीं है, ये सब देखना है। तो फीटर वाले 8 पदों के लिए एलिजिबल है, है ना, ये वैकेंसी। और उसके बाद वैकेंसी चार्ट देख सकते हो, ये टोटल 18 है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा सामने, मैं चीज़ें को कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब चीज़ें आप लोगों को दिख रही होगी अच्छी से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फीटर की बात करता हूँ, तो देखो फीटर में कौन कौन से वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, इसी के आधार पर फॉर्म भरना है, ठीक है। चलो ये नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन सारा डाटा, रियल डाटा आपको मैं दिखाने वाला हूँ किस पोस्ट के। तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे इसका एक बना रखा है चार्ट अच्छे से। तो आरआरबी टेक्नीशियन 2024 फीटर वाले, आईटीआई ट्रेड फीटर वाले के लिए कौन कौन पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो पहला देखो, टोटल 1 2 3 4 8 टोटल 8 पदों के लिए आप क्या एलिजिबल हो, 8 पदों के लिए आप एलिजिबल, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज है आपके लिए खुला हुआ फीटर के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरिज एंड वैगन है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरएस है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ईएमयू है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 फीटर के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 परमानेंट वे, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन। ये जितनी पोस्ट है उसी पे फीटर वाले सिर्फ अप्लाई कर सकते हो। अब आपको ये देखना है कि ये पोस्ट किस जोन में, इस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से भर। जैसे अहमदाबाद में ये सब जोन्स में कितनी वैकेंसी है, मुंबई में ये सब पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, वो सब मिला करके भरना। तो चलो अब बात करते हैं हम लोग आगे चलते हैं तो फीटर की। देखो तो अब बात करते हैं आरआरबी जोन कौन सा, यूआर एससी एसटी ओबीसी ये सब आपको विजिबल दिख रहा होगा। तो देखो यहां पे बात करते हैं अहमदाबाद। तो अहमदाबाद सबसे पहले रेड, जो रेड है इसका मतलब वहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ये चार्ट मैं आपको टेलीग्राम पे डाल देने वाला हूं, ठीक है। तो देखो अहमदाबाद में बात करते हैं, पहले लिख सकते हो यहाँ पे अहमदाबाद वाली, ठीक है। तो अहमदाबाद में कितना है, यूआर का 153 है फीटर में, सब पोस्ट मिला के टोटल 8 पोस्ट मिला के यूआर का कितना है 153 है, ठीक है। एससी का 55 को है, एसटी का 25 है, ओबीसी का 99 है, ईडब्ल्यूएस का 39 है, टोटल पोस्ट है फीटर के लिए 371 अहमदाबाद में, ठीक है। ये देखना है कैटेगरी वाइज आपको जहाँ लगे ओबीसी से मैं ओबीसी ज़्यादा यहाँ भर सकते हैं, तो अहमदाबाद में वैकेंसी नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है। अब ये भी सोच के भर सकते हो कि जहाँ पे नंबर ऑफ सीट है वहाँ फाइट तो होने वाला है भाई, ठीक है। अजमेर में देखो कितना है, उसके बाद अजमेर आता है 121 टोटल यूआर की वैकेंसी है फीटर की, ठीक है। एससी के 39, बस ये जो जोन दिखा रहा है वहीं पर आपका है इतना है, ठीक है। 18 पोस्ट है एसटी का, ओबीसी का 59 है, 34 ईडब्ल्यूएस का। इसी तरह बेंगलोर का देख सकते हो 7-3 बेंगलोर में, बहुत कम है। भोपाल में देखो अच्छी खासी यहाँ भी है 93। सबसे पहले रेड जोन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, फिर उसके बाद बिलासपुर में आते हैं। बिलासपुर और चेन्नई में भी फीटर की बहुत अच्छी वैकेंसी है, यहाँ भी भर सकते हैं। बिलासपुर में 116 है जनरल वालों के लिए, जनरल वालों के लिए फिर कौन सा, जनरल एससी एसटी ओबीसी, जनरल वालों के लिए बिलासपुर, फिर एससी के लिए 37 है, एसटी के लिए 17 है, ओबीसी के लिए 67, ईडब्ल्यूएस के लिए पूरा निचोड़ मैं निकाल के रखा हूँ। ये आप नोटिफिकेशन में नहीं देख पाओगे क्योंकि नोटिफिकेशन में सबके लिए दे दिया है, कन्फ्यूजन है। फिर चेन्नई में देखो भाई बहुत अच्छी खासी फीटर के लिए वैकेंसी है, है ना, 205 अभी तक का सबसे ज़्यादा, जनरल का 205, सिर्फ जनरल का ही 205 है, एससी का 75 है, एसटी का 41 है, ओबीसी का 126 है, ईडब्ल्यूएस का 61 है, टोटल 508 वैकेंसी भाई।
बढ़ सकते हो, ये सेफ जोन हो जाने वाला है। चेन्नई यहाँ पे दूर है, यहाँ का कट ऑफ कम जाता है भाई, याद रखना ठीक है। ये भर सकते हो, फिर बिलासपुर है, फिर उसके बाद अहमदाबाद, फिर तो करेट जोन। और अच्छा अच्छा यहाँ पर देख सकते हो भाई, सबसे ज़्यादा मालदा मुंबई भी पीछे नहीं है। मालदा में देखो 293 UR के लिए, SC के लिए 3, ST के लिए 5, OBC के लिए 6, EWS के लिए 9, टोटल 52 है। मुंबई सबसे ज़्यादा अभी तक, मुंबई चेन्नई के बाद, चेन्नई में 508 था, मुंबई देखो रेड रेड मतलब सबसे ज़्यादा कितना है। UR के लिए 289, SC के लिए 81, ST के लिए 47 है, 201 है किसके लिए, OBC के लिए, ये आपका EWS के लिए 79, 694, टोटल 694 वैकेंसी है चेन्नई में, यहाँ तक ज़्यादा अभी लग रहा है। चलो आगे देखते हैं, बाकी मुजफ्फरपुर देख सकते हो, पटना पर आया, आप लोग स्क्रीन को पाउज करके भी देख लेना, या इसका PDF टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा, वहाँ पे देख सकते हो। बाकी ये देखते हो सिकंदराबाद, ये सिकंदराबाद वाला ठीक है, ये सिकंदराबाद की है, सिकंदराबाद में 107 टोटल जनरल की वैकेंसी है, SC की 38 है, ST की 27 है, OBC की 59 है, EWS का 36 है, टोटल 267 वैकेंसी है ठीक है। ये हो गया, फिर उसके बाद टोटल वैकेंसी 3927, लगभग 4000 के बराबर वैकेंसी यहाँ पे फीटर में है। तो रेड जोन कौन कौन आता है, तो टॉप में सबसे टॉप में पहला बात करेंगे तो कौन है, मुंबई है, कौन है भाई मुंबई में 694। उसके बाद कौन आता है, भर सकते हो आप चेन्नई भर सकते हो, उसके बाद कौन भर सकते हो आप, अहमदाबाद भर सकते हो, उसके बाद अजमेर भर सकते हो, फिर उसके बाद बिलासपुर 261 है, फिर उसके बाद सिकंदराबाद 267 है, फिर ये आपका मालदा है, और ये सभी है देख सकते हो भाई 174 कोलकाता में, जम्मू में 150, गुवाहाटी में 170 है, गोरखपुर। रेड जोन वाला जिनका डाटा अच्छा है, दो जोन ऐसे जिसमें 500 प्लस, एक चेन्नई है 508 है, और एक मुंबई में 694, बाकी उससे कम है। फिर 200 प्लस में बोला जाए तो सिकंदराबाद 267 है, फिर उसके बाद आप एक पटना में भी अच्छी खासी वैकेंसी 215 लेकर फाइट यहाँ तगड़ा होने वाला है, फिर उसके बाद अजमेर में। तो ये सब वैकेंसी है, ये सब चीज़ आपको देख के भरनी है, ये दिखा दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कितना आप खोजोगे ठीक है। तो नोटिफिकेशन में अगर आप खोजोगे तो बहुत ज़्यादा ही आपको क्या होने वाला है, कन्फ्यूज़न होने वाला है ठीक है। तो ये सब सीट था, आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे, तो ये फीटर में 8 ही पे आप एलिजिबल हो। अब इसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा ही लगता है, सारे चीज़ नोटिफिकेशन से छांट छांट के आपको करना पड़ता है। तो आपको मैं ये चीज़ अब डायरेक्ट दिखा दिया, डायरेक्ट दिखाने से क्या होगा, आपको भरने में सुविधा होगी। इसके हिसाब से आप साइबर कैफे में पहले एक दिन घर में बैठ लेना, देख लेना कहाँ कहाँ भरे भाई, चेन्नई में भरना है, मुजफ्फरपुर भरना, कहाँ क्या है कैसे है, पिछले हिसाब के कटअप भी देख करके आप लोग ये डाल सकते हो ठीक है। तो ये सब रेड जोन में था, रेड जोन क्या सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, रिक्स मत लेना, देखना जहाँ आपको अच्छा लगे। चेन्नई में कटअप कम भी जाता है, यहाँ पे भी आप भर सकते हो, फिर उसके बाद है 500 कहाँ था, मुंबई, मुंबई भी डाल सकते हो, मुंबई भी पैनल बहुत जल्दी क्लियर करता है ठीक है। इस बार भी देखा 5-6 लगातार DB वो चलाती हैं, तो ये सब आप लोग देख करके ही भरना। तो फीटर वाले का सब डाउट क्लियर हो गया, सबसे बड़ा डाउट यही था ठीक है, जिसको मैंने क्लियर कर दिया है। अब इससे बड़ा डाउट, अब आप आराम से इजिली माइंड फ्री होकर के सोच लेना कौन सा जोन भरना है, उसके बाद जाओ कैफे में गड़दौड़ा के फॉर्म भर दो। अगर हो सके तो फीटर कैंडिडेट का अगर फॉर्म फिलअप भी होगा तो मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूं, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन का बताऊंगा, फिर डीजल मैकेनिक, फिर वेल्डर का। आपको जल्दी वीडियो आने वाला है भाई, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, और हमारा जो एक नया ऐप है CM क्लास धनबाद, वो भी डाउनलोड कर लेना। हम लोगों ने 49 में LP का टेस्ट परचेज करवाया है, वो जाकर के आप लोग कर सकते हो, लाइव टेस्ट में आप लोग शामिल जरूर होना। अभी तक लाइव टेस्ट के जितने लोग भी दिए थे उनको बुक परचेज फ्री में चला गया है, मतलब कि आज से काम चालू हो जाएंगे, वो चल जाएंगे। चलो वीडियो को यही रखते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।